हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रेखास किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ क्रिस्पी बेबी कॉर्न चिली। यह एक इंडो चाइनीज रेसिपी है। इसे हम बहुत ही आसान तरीके से घर में बनाएंगे, तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप लाइक से कमेंट करना ना भूलें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। क्रिस्पी बेबी कॉर्न चिली बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम बेबी कॉर्न लिया है। इसे मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। अब इसे हम कट करेंगे, तो इसके दोनों साइड्स हम इस तरह से हटा लेंगे और हटाने के बाद बीच से हम इसे कट कर लेंगे और इसे हम छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे। आप इसे अपने मनपसंद शेप में कट कर सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे पीस करने से ये अंदर तक फ्राई हो जाएंगे, इसीलिए मैं इसका छोटा छोटा पीस बना रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग इसे कट करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारे बेबी कॉर्न को कट कर लिया है। अब इसे हम थोड़ा सा पानी में ब्लांच करेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी को बॉईल होने के लिए रख दिया है। अब इसमें हम डालेंगे नमक और इसे हम मिला देंगे, और मिलाने के बाद पानी में हम बॉईल आने देंगे। तो पानी में जैसे ही बॉईल आ जाएगी इसमें हम बेबी कॉर्न डाल देंगे, और डालने के बाद इसे हमें 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे हमें ब्लांच करना है। उससे ज़्यादा इसे हमें नहीं पकाना है, तो इस बात का आप ध्यान रखें 5 से 7 मिनट ही आप इसे ब्लांच करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से बेबी कॉर्न में बॉईल आ रही है। तो यहाँ पे अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे हम ड्रेन कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एक बोल ले लिया है और इसके ऊपर मैं एक स्ट्रेनर रख दूँगी और इसमें मैं पानी को ड्रेन कर लूँगी। तो इस तरह से आप इसे ड्रेन कर लें, और ड्रेन करने के बाद बेबी कॉर्न को आप एक बोल में रख लें। बेबी कॉर्न को हम 10 मिनट के लिए साइड में ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ पे मैंने एक बोल ले लिया है। अब इसमें हम ये बेबी कॉर्न को डाल देंगे, और डालने के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़े मसाले। तो यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन और लाल मिर्च का पेस्ट ले लिया है 1 चम्मच। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर, और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच मैदा। तो जितना हम कॉर्नफ्लावर लेंगे उतना ही हम मैदा डालेंगे, और इसमें हम डालेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। अब हम इसे मिला लेंगे। तो यहाँ पे आप बहुत ही हल्के हाथों से इसे मिलाएं। अगर ज़रूरत हो तो आप इसमें 1-2 चम्मच पानी भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसे हमें कोट करना है अच्छी तरह से। तो इसे आप हल्के हाथों से ही मिलाएं ताकि ये टूटे नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसे मिला लिया है। अब इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर आप तेल को गर्म होने के लिए रख दें। तो मैंने यहाँ पर तेल गर्म कर लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे बेबी कॉर्न। तो यहाँ पे मैं 1 डाल के चेक कर रही हूँ कि तेल हमारा गरम है कि नहीं। तो तेल हमारा गरम हो चुका है। हम इसमें बेबी कॉर्न को डाल देंगे, और डालने के बाद इसे हम हाई टू मीडियम फ्लेम पे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे, क्योंकि इसे हमें डबल फ्राई करना है ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। डबल फ्राई करना बहुत ही ज़रूरी है, तो इस स्टेप को आप स्किप ना करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लाइट ब्राउन हो चुके हैं, इसे मैं निकाल रही हूँ, और इसे हम ठंडा कर लेंगे। और ठंडा करने के बाद इसे हम फिर से हम डबल फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 बैच को पहले ही फ्राई कर लिया था और इसे मैंने ठंडा कर लिया है। अब इसे हम जो ठंडा वाला बैच है उसे हम फ्राई कर लेंगे। अब इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे आप फ्लेम को लो टू मीडियम रखें, क्योंकि इसे हमें क्रिस्पी बनाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ी देर के बाद ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो इसे अब हम निकाल लेंगे। इसी तरह से आप दूसरे वाले बैच को भी फ्राई कर लें। अब इसका हम ग्रेवी बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम पैन में डाल देंगे 1 चम्मच तेल। तो यहाँ पे आप तेल ज़्यादा ना डालें, थोड़ा सा तेल गर्म होने दें, और उसके बाद इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच बारीक कटी हुई अदरक लहसुन और हरी मिर्च। अब इसे हम हाई फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए भून लेंगे, और थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़े से डाइस किए हुए शिमला मिर्च और प्याज। अब इसे भी हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे हाई फ्लेम पे, और थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें हम डालेंगे सॉस। तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच रेड चिली सॉस डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच टोमेटो केचप, और 1/2 स्पून हम डाल देंगे सोया सॉस, और इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। और मिलाने के बाद थोड़ी देर इसे हम पका लेंगे, और थोड़ी देर पकाने के बाद इसमें हम डालेंगे नमक। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें, और नमक डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, और थोड़ा सा हम डाल देंगे स्प्रिंग ऑनियन, और इस सभी चीज़ों को हम थोड़ी देर के लिए हाई फ्लेम पर भून लेंगे। बस थोड़ी देर हम इसे भूनना है, और थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर का पेस्ट। यहाँ पे आप 2 चम्मच पानी में 1 चम्मच
कॉर्नफ्लोर को मिला लें और इसमें डाल दें। अब इसे हम मिला लेंगे और मिलाने के बाद इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी, और पानी डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और मिलाने के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा बीटरूट पाउडर, इससे बहुत ही अच्छा कलर आता है। तो यहाँ पे आप मार्केट वाली रेड फूड कलर ना डालें, बीटरूट पाउडर ही डालें, इससे बहुत ही अच्छा कलर आता है। और ये बीटरूट पाउडर की रेसिपी की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है। अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने फ्राई किए हुए थे बेबीकॉर्न, और इसे हम 2 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से सॉस में कोट करेंगे ताकि ये बहुत अच्छी तरह से कोट हो जाए। तो 3 से 4 मिनट तक आप इसे कोट करते रहें हाई फ्लेम पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेडी हो चुका है, तो इसे अब हम सर्व कर लेंगे। तो ये लीजिए, मैंने एक प्लेट ले लिया है। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा बेबीकॉर्न चिल्ली बनके तैयार हुआ है, क्योंकि इसमें हमने बीटरूट पाउडर डाला है। तो बीटरूट पाउडर आप ज़रूर डालें, बीटरूट पाउडर के कारण ही ये रेस्टोरेंट जैसा कलर आता है, तो आप इसे ज़रूर डालें। ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। तो ये लीजिए, मैंने इसे सर्व कर लिया है। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन। तो यहाँ पे बेबीकॉर्न चिल्ली हमारा रेडी हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कलर कितना बढ़िया आया है, और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।